दर्शन कीजिए आप भी। आप अतिथि विशाल के मेन रोड की क्या स्थिति है? बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो गाइस जो यात्रा रजिस्ट्रेशन हम करा के आते हैं उसकी टोकन यहाँ से मिलता है। ये रास्ता बद्रीनाथ धाम मंदिर जाने वाला, देख लो आप। तो गाइस कुछ ऐसी यात्रा टोकन मिलता है बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। देख लो जी, ये नज़ारे अभी बद्रीनाथ धाम के रोड के। होगी तो गाड़ी वहां तक जाएगी, अदरवाइज वहां रोड पर ही खड़ी रहेगी। अब देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स बद्रीनाथ धाम में गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है, होटल सर्च करने जा रहे हैं क्या है यहां की स्थिति। ठंड तो भयंकर जबरदस्त है, जबरदस्त ठंड है, जबरदस्त ठंड है। हाँ वैसे ही ठंड है, भरपूर बर्फ है बद्रीनाथ धाम में भी, होटलों के आस पास में भी। तो अभी गाड़ी खड़ी करी है बाईपास पर पार्किंग में ही, और अभी हम लोग होटल देखने के लिए बद्रीनाथ धाम के अंदर आ चुके हैं। बहुत बड़ा शहर है, काफ़ी सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि अभी सभी होटल्स चालू नहीं हुए हैं। सामने में देख रहा हूँ एक करनाल भवन है, गुजरात भवन, महाराष्ट्र भवन, इस तरह के कई सारे अलग अलग स्टेट के भी यहाँ पर आश्रम और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में कुछ समस्याएं चल रही हैं, बिजली और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इस वक्त बद्रीनाथ धाम में। यह बस स्टैंड, यहाँ से बस जाएंगी हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। यहाँ से मंदिर करीब 2 किलोमीटर के आसपास होगा, और यही यहाँ की पार्किंग भी है और फुल है पूरी तरह से। अगर आपने रोड के बीच में आसपास कहीं गाड़ी खड़ी कर दी ना, तो कुछ पता नहीं हो सकता, उठा के ले जाएँ या जैमर लगा दिया जाए, फिर छुड़ाते रहना आप। फ्रेंड्स ये रास्ता जाता है माना के लिए, और देखो मैं तो आपको लाइन दिखाना चाहूँगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो टीन शेड देख रहे हैं ना, वहाँ तक पीछे तक लाइन लगी हुई, करीब 3 किलोमीटर के आसपास होगा। वो देखो वहाँ तक लाइन लगी हुई है, वहाँ तक, और वहाँ से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी करीब 3 किलोमीटर होगी। तो यानी अभी एक लाइन में लगो तो नंबर आज रात आए या कल आए कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा क्लाउडी है, ठंड काफ़ी है, और नीचे जो व्यू है वो है अलकनंदा नदी का, और उधर है बद्रीनाथ धाम उन होटल्स के पीछे। यहाँ तक लाइन लगी हुई है, करीब 2.5-3 किलोमीटर होगी लाइन, और यहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग में। उधर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। तो गाइस अभी बद्रीनाथ धाम में हैं, रूम में हैं, सुबह का वक्त है, सब लोग नहा लिए, फ्रेश हो गए, अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। देखने वाली बात है कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो पहले माना जाएंगे, वापस आके दर्शन करेंगे। तीनों लोग रेडी हैं? रेडी सब? रेडी, ऑलरेडी ऑल सेट। चेकआउट नहीं कर रहे अभी? चलो सर, खरोच में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बेसिक परिस्थितियां हमारे विपरीत है, लेकिन किन्हीं भी चीजों से, किसी भी चीजों से घबराना नहीं है। ये सनी देओल स्टाइल थी, और प्रयास कर, ये कभी कभी भूत, कभी कभी काका, एक अमृतपुरी स्टाइल और हो जाए, ये तो सनी देओल आ गया फिर से, काका खून पसीने से कमाई रोटी की है, ये तो सनी देओल आ गया फिर से। ऐसे ही चलता है हम लोगों का, चाय पी ली एक कप और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो हाथ मुंह धोने के लिए पता पानी किसने गर्म किया है, देखो ये सच्चाई है। मैं तो नहाया भी इसी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर करके हूँ, क्योंकि एक तो बद्रीनाथ धाम में इस समय इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कत है। लाइट तो चलो ठीक है आ गई, ये काम कर गई, लेकिन यहाँ पानी की और गीजर की बड़ी दिक्कत है। गीजर चालू नहीं है लगभग किसी भी होटल में। जैसे तैसे नहाए, चल रहे हैं यहाँ से। और गाइस ये वीडियो पूरी देखिएगा, फोटोज यहाँ के देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम के, तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ धाम जरूर लिखिएगा। चलो जी, ये रूम था, रूम बहुत बढ़िया था। ये था हमारा सोफ़ा कम बेड, और एक ये डबल बेड था, सब कुछ अस्त व्यस्त। टीवी लगा हुआ था, टीवी चालू था, और वहाँ एक विंडो है जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिल रहा है बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों का। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बर्फ़ से ढके हुए बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। ठीक है जी, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। और ये था वॉशरूम,
ये भी ठीक ठाक बढ़िया था। ठीक है जी, रूम तो ऐसा मिल गया, यहाँ एक अलमीरा भी थी जिसको हमने यूज़ ही नहीं किया, ऐसे रखे हुआ सब कुछ। क्रीम लगाने की जरूरत नहीं मुझे। बेहतरीन बताओ, इनका शक्ल अच्छी लग रही है, फेस अच्छा लग रहा है, यानी ये क्रीम लगाई जाए। तो रेडी है सब, निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, बद्रीनाथ धाम में हैं अभी और सुबह सुबह का वक्त है। आज यहाँ पर देखो आप, हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है। वाह क्या नज़ारा है, पहाड़ों पर तो बर्फ है ही है, अब लाइव स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और तेज होती जा रही है। कर दिया रूम लॉक, चलते हैं अभी। ये था हमारा होटल बद्रीनाथ धाम में, होटल तो बहुत बढ़िया था लेकिन पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, यानी सभी होटल्स में दिक्कत है बद्रीनाथ धाम के, यानी कि किचन, रेस्टोरेंट, ये रिसेप्शन, ये है होटल के बाहर के नज़ारे। मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है बद्रीनाथ धाम में, तो बहुत तोड़फोड़ चल रही है। वहाँ खड़ी हमारी सेंट्रो और ये सभी होटल्स हैं और वो बर्फ़ से ढकी बद्रीनाथ धाम के ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो चलेंगे अब यहाँ से मंदिर की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है, अभी आपको भी दिखाएंगे, तो वीडियो से बने रहिएगा। हवा चल रही है ठंडी ठंडी बहुत। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बाईपास पर जहाँ पर कार पार्किंग है बस स्टैंड के पास, क्योंकि वहाँ पर एक यात्रा पर्ची काउंटर बना हुआ है। जो यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा कर आते हैं उन्हें वहाँ पर यात्रा टोकन मिलता है, उसके बाद ही दर्शन करने जाना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये जाम देखो आप, ये बद्रीनाथ धाम में लगा हुआ जाम है। मेन रोड की क्या स्थिति है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, घंटों घंटों का लंबा जाम लगा हुआ है। पीछे से ही मैं देखता आ रहा था, मेन हाईवे पर ही इतना जाम है, गाड़ियाँ बद्रीनाथ धाम के अंदर सिटी में नहीं जाने दी जा रही है। करीब करीब मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। सामने एक बस खड़ी हुई है, ये बस वो है जो बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार के लिए जाती है। ये अभी फ़िलहाल तो जाम में फंसी हुई है। कुछ इस तरह की बसें चलती हैं हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के बीच में। बहुत लंबा जाम है, करीब 2-2.5 किलोमीटर से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। भाई यहाँ पर ना तो उतनी सुविधाएँ हैं कि यात्री आए, ना होटल में है अच्छे, ना उनमें पानी की व्यवस्था है, ना उनमें बिजली की व्यवस्था है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट में यहाँ काम चल रहा है। पाइपलाइन डैमेज है यहाँ की, क्योंकि सरकारी पानी ही यहाँ पर होटल्स में सप्लाई किया जाता है, वो डैमेज हो रही है लगातार। यहाँ से रास्ता जाता है अंदर मंदिर की तरफ, बद्रीनाथ धाम की तरफ, सब में जगह जाम लगा हुआ है। और जो सामने वाला रास्ता जाता है माना गाँव के लिए। चलो जी, यहाँ लिखा यात्री दर्शन टोकन काउंटर, अपने रजिस्ट्रेशन के उपरांत कृपया रजिस्टर आईडी दिखाकर टोकन यहाँ से प्राप्त करें। तो गाइस जो यात्रा रजिस्ट्रेशन हम करा के आते हैं उसकी टोकन यहाँ से मिलता है, मेन रोड के पास से ही है। इस टोकन को दिखाकर ही अंदर दर्शन होंगे, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन वहाँ लगी हुई है 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन। लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टोकन जरूर प्राप्त करें। तो गाइस कुछ ऐसी यात्रा टोकन मिलता है बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। ये मेरा है शोभित कुमार और टाइम स्लॉट भी इसमें दिया गया है। हालांकि तो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है बद्रीनाथ धाम में, इस वजह से पूरा बद्रीनाथ धाम की सड़कें वगैरह सब टूटी हुई है, बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ियां लाने में भी। यहाँ पर तरफ मंदिर है, वहीं जा रहे हैं अभी हम, और मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर हमारा होटल था बस स्टैंड के पास, लेकिन उस रोड पर गाड़ी नहीं आ पा रही, हमें बाईपास से लानी पड़ी। यहाँ भी कुछ होटल्स हैं, गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर भी अवेलेबल है, और लेकिन मंदिर के आसपास जितने भी होटल्स हैं वहाँ पार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वाला रोड है जो बाहर से आता है बद्रीनाथ धाम में, लेकिन यहाँ पर गाड़ी लाना पॉसिबल तो है, बशर्ते यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। कल बहुत ज़्यादा रश था तो गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी, कुछ गाड़ियाँ पहले यहाँ आ गई, जो आ गई तो उन्हें एंट्री मिल गई। हम शाम को आए तो हमें यहाँ एंट्री नहीं मिली। फिलहाल रोड आगे से टूटा हुआ है, उसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। इस रोड पर बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, देख लो जी ये नज़ारे हैं अभी बद्रीनाथ धाम के रोड की, ये स्थिति है। मुझे समझ नहीं आती, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर उन्हें सही से काम कराया जाए तो उन्हें जल्दी भी पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ कोई काम तो चल नहीं रहा है, सब तोड़ फोड़ के ना ऐसे डाल दिया है। ऐसे होती है चार धाम यात्रा,
उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ना, ये जगह जगह टूट चुकी हैं। इसी वजह से यहाँ के होटल्स में पानी की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। रोड सभी लगभग टूटे हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। ये रास्ता बद्रीनाथ धाम मंदिर जाने वाला, देख लो आप, ऐसे जाएगी चार धाम यात्रा में पब्लिक बद्रीनाथ धाम। ये है इंतजाम। तो कुछ ऐसे रास्ते बने हुए हैं अभी बद्रीनाथ धाम में। मुख्य मंदिर के लिए जाने वाला ये रास्ता है, आप देख भी रहे होंगे काफी सीनियर सिटीजन भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। जिस तरह का इंतजाम है यहाँ पे आने का, अरे यार उसको बना ही देते रोड को। स्वच्छता का प्रतीक सुलभ शौचालय भी यहाँ पर मौजूद है। भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है यहाँ पर, चल रहा है यहाँ पर सुबह सुबह भंडारा, बहुत ज्यादा भीड़ है भंडारे में। हम चलेंगे अभी आगे, लाइन लग रही है यहाँ भी। और ये बाजार है बद्रीनाथ धाम का। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी है, फिलहाल तो बंद ही पड़ा है वो भी। और यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है बद्रीनाथ धाम का। थोड़ा आगे जाने के बाद दो रास्ते होंगे, लेफ्ट राइट। हम जाएंगे लेफ्ट में दर्शन करने के लिए। वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, प्रेडिक्शन थी वेदर की कि आज दोपहर में बारिश या स्नोफॉल हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या होगा। बैंक भी इधर है, डाकघर भी इधर है, अस्पताल भी इधर है। यह है पूरा मार्केट। मार्केट तो ऑलमोस्ट खुल ही चुका है यहाँ का, लेकिन सभी होटल अभी नहीं खुले हैं। आश्रम बहुत हैं बद्रीनाथ धाम में, धर्मशालाएँ बहुत हैं, होटल्स भी बहुत हैं, लेकिन अभी यात्रा की शुरुआत है तो अभी सभी ओपन नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब ओपन हो जाएंगे। फिलहाल जिस होटल में हम रुके थे, मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाए थे, वीडियोज़ दिखाई थी, वहाँ पे टैरिफ था हम तीन लोगों का 4,000 रुपये एक रात के लिए। वैसे इसके अलावा कुछ सस्ती धर्मशालाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखो सामने से दो रास्ते हैं, एक जाएगा राइट एक जाएगा लेफ्ट। राइट वाला जाएंगे तो मार्केट और एक छोटी सी कार पार्किंग है वहाँ पे। लेफ्ट जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम मंदिर तक पहुँचेंगे। चलते हैं उधर, भीड़ बहुत है। आप सामने से मुख्य बद्रीनाथ धाम के मंदिर का बहुत खूबसूरत दर्शन कर सकते हैं। हालांकि यहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं, पहले यहीं से एंट्री हुआ करती थी, अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लाइन कहां से लगी हुई है यहां की? आगे जाओगे ना यहां से, यहां पर लेफ्ट में लाइन लगी है। आप उस लाइन में जाओगे, दर्शन वाली लाइन है, यहां से एग्जिट का है वापस। ओके ओके, थैंक यू। चलो उधर से है भाई। तो यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ से एग्जिट की गई है। यहाँ से एंट्री पहले हमेशा रहती थी, लेकिन साल नहीं है और हमें एंट्री करनी होगी इधर से। बहुत ज़बरदस्त रश है, बहुत ज़बरदस्त रश है। देखो जी बर्फ़ के भी कुछ नज़ारे बद्रीनाथ धाम में अभी मौजूद हैं। स्नो देखो कितनी है आसपास मंदिर के। अब मैं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्ट भीड़ कितनी है, रश कहाँ तक है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देख लो वो लगी हुई जी, देखो वहाँ वो वहाँ पे। अब देखो ये जो रास्ता है ये जाता है नीचे इस पुल के थ्रू वहाँ, और उस साइड में वहाँ पर तप्त कुंड है, धुआं भी उठ रहा है, और उसके पीछे मंदिर है। और लाइन तो बहुत दूर तक लगी हुई है, बहुत पीछे तक। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे है बद्रीनाथ धाम और मुख्य मंदिर, पीछे आप जनसैलाब देखो कितना है, कई हजार लोग यहाँ पर हैं, बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है। जयकारे यहाँ गूंज रहे हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के। वो आप भी कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही मैं नज़ारे आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल तो अगर आप हम उस लाइन में लगे हैं या जो भी लगा हुआ है, तो कम से कम 4-5 घंटे यहाँ लगने वाले हैं। उसके अलावा भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से बीच में भी घुस रहे हैं। पूरी तरह से अव्यवस्थित ढंग से इस वक्त दर्शन कराए जा रहे हैं। चलिए अभी यहाँ से नीचे चलते हैं और इस पुल के थ्रू आगे जाएंगे, और आगे के क्या नज़ारे हैं, क्या इंतजाम है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। चलते हैं अभी आगे, दिखाते हैं आपको कुछ और व्यूज़ बद्रीनाथ धाम के, और क्या स्थिति है अभी वो भी दिखाता हूँ। नीचे अलकनंदा नदी का ज़बरदस्त फ्लो वहाँ है तप्त कुंड, जहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे के कुछ नज़ारे दिखाते हैं, क्या स्थिति है दिखाते हैं आपको, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी
बद्रीनाथ धाम से संबंधित मैं शेयर करता रहूँगा। तप्त कुंड के लिए भी बहुत भीड़ हो रही है, तप्त कुंड में स्नान करने के लिए भी मुझे लग रहा है वेटिंग में ही रहना पड़ेगा। यहाँ है निःशुल्क टोकन काउंटर, ये रास्ता जाता है तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम के, जहाँ पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं। गर्म पानी का कुंड है, एक तरफ अलकनंदा नदी जिसमें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा पानी, ठीक उसके बराबर में गर्म पानी का कुंड। प्रसाद की दुकानें भी यहाँ आसपास में बहुत हैं। देखो सामने से धुआं उठ रहा है, यहाँ पर है गर्म पानी का कुंड, ये है गर्म पानी का कुंड बद्रीनाथ धाम का तप्त कुंड, जहाँ स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं सभी लोग। ये है तप्त कुंड, प्राचीन तप्त कुंड जो मुख्य तप्त कुंड है यहाँ का, बहुत गर्म पानी रहता है, यहाँ पे स्नान करते हैं उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ये है तप्त कुंड, कितना रश है यहाँ, कितनी भीड़ है। वहाँ ऊपर है बाबा बद्री विशाल का मुख्य मंदिर। आ जाओ दर्शन कीजिए आप भी बाबा बद्री विशाल के। जबरदस्त भीड़, कई हजार लोग आज बद्रीनाथ धाम मंदिर में मौजूद हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कई हजार श्रद्धालु मुख्य मंदिर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, हालांकि अब लाइन में लगना थोड़ा सा आसान है। और ये अद्भुत नज़ारा बद्रीनाथ धाम का, वेदर ख़राब भी होता है तो 3 शेड पड़े हुए हैं, आप आराम से लाइन में लग सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद एक टोकन लिया था तो हमें उस लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग बिना टोकन लिए ही लाइन में लग चुके हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप भी यात्रा पर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, धाम पर पहुंचने के बाद यात्रा टोकन ज़रूर लें ताकि आसानी से आप दर्शन कर पाएँ। तो मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं मंदिर के अंदर की फुटेज आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आप सामने का ये नज़ारा देखिए। नीचे अलकनंदा नदी है और अलकनंदा नदी पर एक खूबसूरत लोहे का पुल बना हुआ है, वहीं से एग्जिट करना होगा मंदिर में दर्शन करने के बाद। सामने जो आप बर्फ़ से ढकी पहाड़ देख रहे हैं ना, वहाँ पर विष्णु जी की चरण पादुकाएँ हैं। 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी मंदिर में दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। मंदिर में इस वक्त ज़बरदस्त भीड़ है, लोग यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बहुत अद्भुत ये नज़ारा है। लाखों की तादाद में बद्रीनाथ धाम हर साल श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। साल 2022 की मैं अगर बात करूँ तो केदारनाथ धाम से ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आए थे। यहीं से रास्ता चरण पादुका के लिए भी जाता है। ITBP के जवानों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है मंदिर के मुख्य गेट के बाहर, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो पाए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कराकर नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराकर आइए, उसके बाद बद्रीनाथ धाम में आने के बाद यात्रा टोकन ज़रूर लें ताकि आप इस अव्यवस्था का शिकार ना हो पाए, आपके दर्शन बहुत अच्छे होंगे। हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाटर ATM भी है, पीने का शुद्ध पानी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो पुल है ये अलकनंदा नदी पर बना हुआ पुल है, सामने बद्रीनाथ धाम के कुछ होटल्स हैं और पीछे बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बद्रीनाथ जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत अभी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम के लगभग सभी रोड्स टूटे हुए हैं। 2-2.5 किलोमीटर के आसपास हमें भी पैदल चलकर आना पड़ा अपने होटल से मंदिर तक दर्शन करने के लिए। अलकनंदा नदी का फ्लो अभी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि पानी को पीछे रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है।
ये जो गेट है, इस गेट के पास में यहाँ पर भी, इस रोड पर भी काफ़ी सारे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, अब वो पूरी तरह से गायब हैं, यानी तोड़ दिए गए हैं। ये जो बाज़ार है, ये एक अच्छा बाज़ार है शॉपिंग करने के लिए। हजारों की तादाद में साधु संत भी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बहुत अद्भुत ये नज़ारा है, बहुत अद्भुत बद्रीनाथ धाम इस वक्त देखने में लग रहा है। शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी दुकानें हैं बद्रीनाथ धाम में, कुछ भी खरीदारी आप कर सकते हैं। अभी हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद एग्जिट पॉइंट पर हैं। खाने पीने की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी सारे होटल और ढाबे बने हुए हैं, जहाँ पर नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन फूड भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के सभी होटल्स खुले हुए नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे यात्रा जैसे सीजन बढ़ेगा सभी होटल्स खुल जाएंगे। जगह जगह लोगों ने बड़े स्तर पर भंडारों का भी आयोजन किया हुआ है। ये श्रद्धा भाव भी बद्रीनाथ में, केदारनाथ धाम में हमें हर साल देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक, जिसे पहले आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो बन चुका है भारत का प्रथम गांव। वहां लेकर जाऊँगा और वहां अभी क्या स्थिति है, कैसे वहां घूमने जाना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, उस सभी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। हर हर महादेव। जय बाबा बद्रीनाथ।